तो महाराष्ट्र को पीएम मोदी की मेगा सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान सौगातें देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं? बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से इतने ही स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है, तब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। करोड़ों मराठी मानुष का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। महाराष्ट्र के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई। आज महाराष्ट्र के गांव गांव से मुझे खुशी के संदेश भी भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने संदेशों में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे ढेर सारे धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये काम मैंने नहीं, आप सबके आशीर्वाद ने किया है। महाराष्ट्र के विकास का हर प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। दो बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उनसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने